तो दोस्तों आज फाइनली फ्रांस की तरफ से एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खुशखबरी निकल के सामने आई है और फाइनली फ्रांस भारत की मदद करने के लिए तैयार हो गया है। दरअसल आप सभी को तो पता ही है कि अभी पिछले कुछ दिनों में भारत और फ्रांस के संबंध काफी ज्यादा उतार चढ़ाव से गुजरे हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सभा के अंदर ना तो भारत ने फ्रांस का समर्थन किया और ना ही रशिया के खिलाफ वोटिंग की। फिर इसके बाद में जब फ्रांस ने भारत से कहा कि G20 शिखर सम्मेलन में रूस की आलोचना करो, तो भारत ने फ्रांस की इस बात से भी इनकार कर दिया और रूस की आलोचना नहीं की, क्योंकि भारत और रूस के बीच में संबंध काफी ज्यादा अच्छे हैं और अभी भारत की बहुत ही ज्यादा निर्भरता है रूस के ऊपर। दरअसल आप सभी को तो पता ही है कि भारत अपनी आवश्यकता का करीब 85% जो तेल है उसको आयात करता है और भारत को पर डे करीब 50 लाख बैरल यानी करीब करीब 84 करोड़ 27 लाख लीटर कच्चे तेल की आवश्यकता पड़ती है भारत को हर दिन, और इतना कच्चा तेल भारत हर दिन जला देता है, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उपयोग करने वाला देश है। अब दोस्तों हमें 85% कच्चा तेल इसलिए इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि भारत के पास खुद के कच्चे तेल के भंडार उपलब्ध नहीं है, और इसी क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फ्रांस ने आगे कदम बढ़ाया है और भारत की जो कंपनी है ONGC उसके साथ फ्रांस की जो कंपनी है टोटल एनर्जी, उन्होंने एक समझौता ज्ञापन साइन कर लिया है और इसके ऊपर आप सभी आर्टिकल भी देख सकते हो जिसके माध्यम से यह जानकारी दी गई है कि फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जी भारत को खुद के तेल के कुएं खोजने में बड़ी टेक्निकल सपोर्ट करने के लिए मदद करने को तैयार हो गई है, जिससे भारत का जो कच्चा तेल का इम्पोर्ट है उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कम किया जा सके और भारत की रूस और अन्य खाड़ी के देशों पर जो निर्भरता है उसको घटाया जा सके। फिलहाल मैं आप सभी के टॉपिक के अंदर क्या रहा है और भारत ने क्या फ्रांस के साथ समझौता करके सही किया, कमेंट बॉक्स में। प्रिय अवस्थी जी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।